हाय एवरीवन, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं और कई लोग पूछना चाह रहे होंगे पर किसी कारणवश नहीं पूछ पा रहे हैं। मतलब मुझसे नहीं पर किसी न किसी से पूछना चाह रहे होंगे कि कैसे करें, क्या करें। अभी जो CGPSC आई हुई है मेडिकल ऑफिसर्स के लिए हमारे, तो आप सभी को पता है मैं भी उसकी तैयारी कर ही रहा हूँ और आप सब भी उसकी तैयारी में अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं। तो कई लोगों का पूछना ये है, कई लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें इस समय पर, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस वे में हमें तैयारी करनी चाहिए, कुछ आप सलाह दे दीजिए। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इतने बड़े लेवल पे भी हूँ कि मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ सलाह दे पाऊँ, पर फिर भी जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बतला देता हूँ और होपफुली कहीं ना कहीं मेरी ये चीज़ें आपके लिए लाभप्रद ही साबित होंगी। और अगर आप चाहें तो इनको कुछ जो भी आपको अच्छा लगे अपने रूटीन में, डेली रूटीन जैसे आप पढ़ रहे होंगे उसमें इसको आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी सबको पता है कि अप्रॉक्स 3 मंथ से बचे हुए हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आएंगे और 100 क्वेश्चन आयुर्वेद से रिलेटेड आएंगे। उसमें भी सिलेबस डिफाइंड एक दिया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स कहाँ कहाँ से कवर अप हैं। बट मैं यही सलाह दूंगा जो भी अनुभव मेरा कहता है PSC को देखते हुए, कि 100% अश्योर मैं नहीं बोल सकता आयुर्वेद के पोर्शन में कि जितना इसमें लिखा है उतना ही आएगा। जैसे इसमें किसी आचार्य का नाम स्पेसिफिक नहीं है, पर आचार्य के नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक संहिता को छोड़कर दूसरी तीसरी संहिताएं भी दे सकते हैं। तो इन जनरल जैसे हम PG के लिए तैयारी करते हैं उसी लेवल पर तैयारी करनी, बस एज कम्पेयर टू PG थोड़ा सा सुपरफिशियल इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना पड़ेगा। और बेसिकली मैं कहूँगा कि जितना भी आप समय निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि कई ऐसे होंगे जो ड्यूटी वाले होंगे, किसी भी प्रकार की ड्यूटी हो सकती है, कई PG स्कॉलर्स होंगे तो कॉलेज की ड्यूटी हो सकती है, कॉलेज का उनका काम हो सकता है, हॉस्पिटल का काम हो सकता है, कई जो जो पढ़कर निकल चुके हैं कहीं कॉलेज में कोई पढ़ा रहे होंगे तो उनकी डेली रूटीन अलग हो सकती है, कई लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनकी रूटीन अलग हो सकती है, कई लोग कहीं और हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे होंगे उनकी रूटीन अलग हो सकती है, और कई लोग घर में ही रहकर तैयारी कर रहे होंगे उनकी रूटीन अलग होगी। तो जैसे जैसे आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी करना चालू करिएगा। बेसिकली मैं कहता हूँ कि 3 स्लॉट्स होने चाहिए पढ़ने के लिए, एक जिसमें आपको GK पढ़ना है, 2 जिसमें आपको आयुर्वेद पढ़ना है, 3 जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और 4th स्लॉट अगर आपके पास समय बच पाता है तो लास्ट स्लॉट होगा रिवीजन के लिए। पर डे का जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते चलना बहुत जरूरी है। मतलब ये क्विक पोर्शन रहेगा, लास्ट में रात में सोते समय आपको 15-20 मिनट मिल जाए वो भी चल जाएंगे, आधा घंटा मिल जाए वो भी चल जाएगा, 1 घंटा मिला वो भी चल जाएगा, ये रिवीजन के लिए। तो स्लॉट्स को कैसे रेशियो में रख सकते हैं, GK में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे आप पर डे समझ लीजिए GK की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जितना समय मिल पा रहा है 4 घंटे आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, और एक आधे घंटे जितने भी समय मिल पा रहा है उतना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मैं मिनिमम ऐसा समझ कर चल रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे हमें पढ़ने ही पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ऐसे देखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। अब GK के लिए कई लोग कोचिंग कर रहे हैं, कई लोग कर चुके हैं, कई लोग अभी स्टार्ट किए होंगे, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज तो जरूर देगा किसी न किसी मामले में, उन क्लासेस के बेनिफिट तो होंगे ही। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी एक बेसिक गाइड, बहुत सारी गाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी डायरेक्ट बुक में जाकर पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, कोई भी एक गाइड जिसके बारे में आपने सुन रखा हो प्रीफर कर सकते हैं, और उसी को बस डेली रूटीन, जैसे हम लोग आयुर्वेद में पारी की याद करते हैं डेली डेली, वैसे ही आप उसको याद करना चालू कर लीजिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा अभी के ड्यूरेशन में, अगर आप कोचिंग कर जाने की सोच रहे हो उसके कंपेरिजन में। और आयुर्वेद के मामले में बहुत सारी सिलेबस में लिखी हुई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो एक तो पारी का आप रेगुलरली पढ़ते चलिए, उसी में से पर डे क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है क्वेश्चंस की, अदरवाइज हम पढ़े हुए तो रहेंगे पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्वालिटी आंसर्स होंगे उसमें हम मार खा सकते हैं, मतलब हमें डाउट लग सकता है किसी किसी आंसर में, और उस चक्कर में हम गलत आंसर की ओर जा सकते हैं। तो बेहतर होगा कि कितने भी, अगर 50 हो पा रहे हैं आपके पास शेड्यूल में कम पड़ रहा समय तो 50 क्वेश्चन बनाइए, 100 बना पा रहे 100 बनाइए, और ज़्यादा समय आपके पास तो और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। सिलेबस को लेकर आयुर्वेद के बारे में मैं खुद संहिता वाइज तैयारी करता हूँ, और मैंने जो एनालाइज किया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, कि इसमें सुश्रुत सूत्र स्थान से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब अगर ऐसे अपन देखें तो शल्य शालाक के ऐसा करके सब्जेक्ट डिवीजन भी अपन कर सकते हैं, पर अगर ऐसे देखें तो सुश्रुत सूत्र स्थान से बहुत क्वेश्चंस थे, कल्प स्थान से मतलब जो अगत तंत्र हम सब्जेक्ट कहते हैं उससे क्वेश्चंस थे, निदान स्थान से सवाल रहे हैं खासकर ENT वाले पोर्शन से, वैसे ही शालाक के वाला पोर्शन जो है हमारा नेत्र रोग वाला, वहाँ से भी क्वेश्चंस थे।
आयुर्वेद में, क्योंकि ये चिकित्सा चिकित्सक के लिए है, तो बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट पोर्शन भी थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज के साथ पूछता है, कुछ लक्षण, कुछ ड्रग्स, उनमें भावना द्रव्य क्या है, उनमें मुख्य घटक द्रव्य क्या है, इनकी मात्रा क्या है, ऐसे कर करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ड्रग्स के नाम भी सिलेबस में दे रखे हैं, तो उनको फोकस करते हुए हम थोड़ा सा पढ़ें तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो पाएंगी। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें को अगर हम तैयारी करते रहें तो 3 महीने अभी मोर देन इनफ टाइम ही होते हैं सीरियसली तैयारी करने वालों के लिए। तो यही मेरी सलाह होगी आप लोग के लिए कि लगातार हमें पढ़ते रहना है, और ऐसे टाइम स्लॉट बांट कर हम पढ़ सकते हैं। मैंने ये कोई प्लान करके नहीं बताया हूँ आपको, बस रैंडमली मेरे माइंड में जो चीज़ें आई और जैसे चीज़ें मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ वही आपके साथ मैंने शेयर की है। होपफुली ये किसी न किसी वे में आपको हेल्प करेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट लगता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको और हेल्प करने की, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं खुद भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा में सफलता के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।